हेलो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था पर्यावरण मूल्यांकन का प्रभाव, जो हमारा लास्ट ख़त्म हो चुका था। आज हमारा नया टॉपिक है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन बनता है, बोलता है आपदा प्रबंधन होता क्या है, यानी आपदा की परिभाषा। आपदा की परिभाषा साथ ही साथ लिखते चलना सभी। अब इसे देखते हैं, ऐसी कोई अप्रत्याशित घटना जो टूट फूट या क्षति पारिस्थितिकी तितर बितर जनजीवन का हास या स्वास्थ्य बिगाड़ने का बड़े पैमाने पर कारण बने आपदा कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं क्या, अप्रत्याशित संकटों के परिणाम जनित बड़े पैमाने पर होने वाली जान माल की हानि को आपदा की संज्ञा दी जाती है। एक बार दोबारा देखें कि आपदा होती क्या है। ऐसी कोई भी अप्रत्याशित घटना जो टूट फूट या क्षति या पारिस्थितिकी तितर बितर या जीवन का हास या स्वास्थ्य बिगड़े, ये जो भी बड़े पैमाने पर होते हैं कारण, उन्हें आपदा कहते हैं। आपदा को मुख्य रूप से 12 भागों में विभाजित करते हैं। कितने में? 12 भागों में। वो कौन कौन से हैं आपदाओं का मुख्य रूप? अगली हेडिंग, जिसमें सबसे पहला आता है क्या, अर्थक्वेक यानी भूकंप। दूसरा आता है चक्रवात यानी साइक्लोन्स। तीसरा आता है बाढ़। बाढ़ को क्या बोलते हैं? फ्लोड्स। अगला है सामुद्रिक तूफान। सामुद्रिक तूफान या
ज्वार भाटी तरंगे। इसे क्या बोलते हैं? टिडल वेव्स। इसके बाद आता है भूस्खलन। जिसे बोलते हैं लैंडस्लाइड। इसके बाद ज्वालामुखी विस्फोटक। ज्वालामुखी विस्फोटन यानी वॉल्केनो या वॉल्केनिक इरुप्शंस। अगला आता है प्रचंड आंधी या तूफान। इसके बाद अग्निकांड। अग्निकांड कौन से होते हैं? गांव में फसलों में आग लगना, कारखानों में आग लगना, बारूद के कारखानों में आग लगना, ये सब अग्निकांड के अंदर। अगला है तुषार तूफान। इसे बोलते हैं स्नो स्टॉर्म्स। इसके बाद आता है सूखा। या अकाल। इसे बोलते हैं फेमनाइस। FAMINES। इसके बाद आता है महामारी। जैसे अभी वर्तमान में चली है आपकी कोरोना, ये एक महामारी का ही लक्षण है। इसके बाद आता है आणविक विस्फोट। या संग्राम। यहाँ तक तो बात होती है हमारी कि आपदा किसे कहते हैं और इसके क्या क्या रूप होते हैं। अब आता है कि आपदा प्रबंधन क्या होती है। तो लिखें क्या होता है, आपदा के प्रभाव को कम करने अथवा इससे राहत पाने की क्रियाकलाप को आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आकस्मिक परिस्थितियों तथा प्राकृतिक आपदाओं के हानिकारक प्रभावों को कम करने हेतु राहत कार्यों की व्यवस्था करना तथा आपदा से ग्रसित व्यक्तियों की सहायता करना तथा उन्हें आपदा के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए एक रचनात्मक रूपरेखा तैयार करना शामिल है। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन में आपदा के बचाव हेतु आपदा से पूर्व की जाने वाली तैयारियां, आपदा आने पर उसके दुष्प्रभाव को कम करने तथा उसका सामना करने के लिए सावधानी तौर पर किए जाने वाले उपाय, आपदा घटित होने के बाद किए जाने वाले राहत तथा पुनर्वास भी कार्य आपदा प्रबंधन में शामिल होते हैं। तो लिखा सभी कि आपदा प्रबंधन क्या होता है। आपदा तो होगी आपकी और मैंने बोल के भी समझा दिया कि आपदा प्रबंधन क्या होता है। तो इसकी छोटे से रूप में एक लाइन की परिभाषा, आपदा प्रबंधन के आपदा प्रबंधन क्या होता है।
आपदा के प्रभाव को कम करने अथवा इससे राहत पाने अथवा इससे राहत पाने के क्रियाकलाप को के क्रियाकलाप को क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन। सॉरी, आपदा प्रबंधन कहलाते हैं। ये आपके दो टॉपिक हुए आज, आपदा क्या होती है, आपदा के मुख्य रूप क्या होते हैं और आपदा प्रबंधन क्या है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकृति तथा मानव जनित आपदाएं कौन कौन सी होती हैं। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।